हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरीद खान एंड इन दिस एपिसोड ऑफ अनपॉपुलर ओपिनियंस ऑन जलमी टीवी आई एम जॉइंड बाय अब्दुल गफार हु इज़ अ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एट डॉन न्यूज़। गफार भाई, हाउ आर यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम फरीद, बहुत बहुत शुक्रिया। गफार भाई, थोड़ी सी बात करेंगे पहले वर्ल्ड कप पे, स्पेशली पाकिस्तान के चांसेस पर। क्रिक विज का मॉडल मैं देख रहा था कुछ दिन पहले और 3% चांसेस थे पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन के। अब बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना, अनपॉपुलर ओपिनियन, मैं भी जब लिख रहा था आप भी लिख रहे थे ट्वीट पर, तो लोग कहते हो भाई बस करो, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे लिए वर्ल्ड कप हो रहा है या सिर्फ हमारे ही किस्मत साथ देगी। लेकिन भाई आई थिंक सारे एनालिसिस, सारे क्रिक पे, सारे स्टैट्स धरे के धरे रह गए, और जब किस्मत भी तो एक फैक्टर है तो हम भूल जाते हैं। 92 का वर्ल्ड कप हो या अगर हम देखें, पाकिस्तान ने ज्यादातर ऐसी कामयाबी हासिल की है। लेकिन ये जैसे इमाद अभी जो पीसीबी के मीडिया मैनेजर, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि भाई ये तो 92 वर्ल्ड कप में भी नहीं हुआ था कि इतना आप मतलब एक्सपेक्ट करें कि नेदरलैंड जैसी टीम साउथ अफ्रीका को हरा दे। एंड आई रियली फील फरीद, आप सोचें अगर आप साउथ अफ्रीका के फैन हो तो आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी, क्योंकि ये पहली मरतबा नहीं हुआ। दे ऑलवेज चॉक एट द वेरी हाईएस्ट एंड उन्होंने ऐसे ऐसे मैचेस ढूंढे हुए हैं जहां जब वो चॉक करते हैं तो पता चल जाता है साउथ अफ्रीका ही ये काम कर सकती थी। और डेफिनेटली यार पाकिस्तान बहुत लकी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी मत भूलना चाहिए कि हमने साउथ अफ्रीका को भी हराया था। और आप देखें ना, हम लोग जो एनालिसिस करने वाले होते हैं फिर थोड़ा सा जल्दी जल्दी लाइन भी बदल लेते हैं ना, तो अब हमें ये भी याद आ रहा है कि हम तो आखिरी मैच, पहले दो मैच तो आखिरी आखिरी बॉल पे आ रहे थे, तो क्या पता यार हम लोग फाइट करते आ रहे थे। तो कभी फॉर्चून फेवर द ब्रेव वाली बात, लेकिन डेफिनेटली यार लक फैक्टर है। मजाक के अलावा अगर बात करें, जिम्बाब्वे का मैच तो खैर आखिरी बॉल तक आने नहीं चाहिए था, पर इंडिया का मैच ऐसी टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट मैच था। बट कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान भाई, ऐसी जीत का मजा ही और है। ये 6 नवंबर 2022 संडे की सुबह 5 बजे उठ के मैच देखना, और ये सारा कुछ जो है ना वो यादगार हो गया है। ये हमारे क्रिकेट की तारीख में और वर्ल्ड कप की तारीख में ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। अभी मैं यही देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बाहर हो गया, जो कि अपने होम सॉइल पर डिफेंड कर रहा था टाइटल इसी तरह जैसे 1992 में कर रहा था। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ अभी भी हैं, पाकिस्तान फिर से खेल रहे हैं न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल और इंग्लैंड के साथ फाइनल भी आ सकता है, तो अभी भी वो जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो वापस आ गई हैं 1982 की। आपने कोई इस तरह की सिमिलैरिटी बनाई है? आपको क्या लग रहा है कि क्या हम लोग उसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेंगे? डेफिनेटली यार फरीद, अगर मेरे ख्याल में मुझसे अगर आप पूछें बतौर पाकिस्तानी फैन, मुझे तो ऐसे लगता है जो हमने न्यूजीलैंड को ओवर द ईयर, ओवर द डेकेड जो हमने मेन सेमीफाइनल हराए हुए हैं, मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड से बचना ठीक ही था। क्योंकि वो आपको पता है उनकी अप्रोच क्या है पावर प्ले की, उनका जो एक अटैकिंग इंसिडेंट है। न्यूजीलैंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनके बिल्कुल पास चाहे टॉप 3 उनका बहुत तगड़ा है, लेकिन उसके बाद उनके पास शायद उस तरह के मैच विनर्स नहीं है जो इंग्लैंड के पास है। वो के लियाम लिविंगस्टन इस वक्त उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जो इंग्लैंड एक्सपेक्ट कर रहा था, पर स्टिल हमें पता है वो क्या कर सकते हैं, जो बेन स्टोक्स का पता है वो क्या कर सकते हैं। और दूसरा अगर आप देखें तो मार्क वुड बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो न्यूजीलैंड डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए नॉकआउट मैचेस में एक हमारी अच्छी मेमोरीज कह लें या स्टैट्स वगैरह के हटकर भी अगर आप एज अ फैन बात करें, तो मैं इंडिया इंग्लैंड को अवॉइड ही करना चाहता कि सेमीफाइनल में कम से कम ये ना मिले। न्यूजीलैंड वी कैन मैनेज। अभी आप देखें साइकोलॉजिकली भी फरीद, अभी ये फायदा रहेगा कि अभी हमने हाल ही में न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज का फाइनल बिल्कुल भी हराया। न्यूजीलैंड को भी ये बात पता है कि पाकिस्तान की टीम एक कंप्लीट टीम है। शाहीन शाफीदी की फॉर्म में वापसी, हारिस का पाकिस्तान के लिए आके स्पार्क देना, थोड़ा बहुत इस बार में बाबर ने भी मिडल में टाइम गुजारा है, होप कि वो इसका फायदा उठाए आने वाले मैचेस में या सेमीफाइनल में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सिनेरियो पाकिस्तान के लिए ठीक है। इंग्लैंड इंडिया का सेमीफाइनल मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए बहुत टफ असाइनमेंट होगा, नॉट जस्ट बिकॉज के इंग्लैंड इस दौर की बड़ी टीम है, बल्कि जो पैटर्न है उनके खेलने का, वो जब फॉर्म में आएंगे मुझे लगता है कि पावर प्ले के अंदर वो बहुत हद तक जो है ना वो इंडिया को प्रेशर में ला सकते हैं। बट पाकिस्तान को भी आई थिंक जो उनका टॉप ऑर्डर है न्यूजीलैंड का, उससे फरीब बचना पड़ेगा। जो एलन या बिल्कुल कॉनवे की जो पार्टनरशिप है, जिन्होंने देखे ना ऑस्ट्रेलिया को, आप अभी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट पावर प्ले इन बिल्कुल एंटायर वर्ल्ड कप। वो पहले 6 ओवर में जो उनके साथ सलूक किया गया न्यूजीलैंड की जानिब से, दे जस्ट नेवर रिकवर्ड। और आपने बात की आई थिंक किस्मत भी देखे ना, किसी किसी का साथ देती है। अब उन बिचारों का एक मैच भी जाया हो गया इंग्लैंड के साथ, फिर बिल्कुल उनके फेवर में रिजल्ट भी नहीं आए। तो जब बुराई आती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह पूरी की पूरी बुराई आ गई साउथ अफ्रीका। हम लकी हैं, लेकिन भाई अब लक हमारे साथ है तो फिर हमें तो एंजॉय करना चाहिए और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें किस्मत हमारा साथ दे गई। देखिए, एक ऐसी टीम जो कोई भी T20 मैच नहीं जीती हुई थी ऑस्ट्रेलिया में इस वर्ल्ड कप में आने से पहले, और अब ऐसा चांस है कि वर्ल्ड कप जीत सकते हैं 5 कंसेकटिव मैचेस जीतकर। 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनकी हमने बात की अभी, जिसमें साउथ अफ्रीका का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सिडनी में ही पाकिस्तान का अगला जो सेमीफाइनल है वो न्यूजीलैंड के साथ है। आप कैसे देख रहे हो उस फैक्टर, क्योंकि सिडनी में काफ़ी हाई स्कोर्स बने। आपको याद होगा ग्लेन फिलिप्स ने भी जो है अपनी सेंचुरी सिडनी में की थी। फिलिप्स एक ऐसे प्लेयर हैं जो मिडिल ऑर्डर में अभी तक बहुत अच्छा खेलते आए हैं न्यूजीलैंड के लिए, उनको आप कैसे देख रहे हो? ओवरऑल चांसेस पाकिस्तान के, अगर हम सिर्फ सिडनी एज अ वेन्यू की बात करें।
ये सिडनी का वेन्यू मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बैटिंग के अंदर प्रॉब्लम है, वो भी पावर प्ले के अंदर। कोई भी ऐसा वेन्यू फरीब जहां पर हरीफ टीम की जो फास्ट बॉलिंग है उसको थोड़ी सी मदद ना मिल रही हो, तो ये हमें एडवांटेज है। गो के हमारी फास्ट बॉलिंग भी उसी सरफेस पे बॉल करेगा, लेकिन यू नो हमारे पास डिफरेंट किस्म के फास्ट बॉलर हैं जो फुलर लेंथ, और हमारे पास पेस बहुत अच्छा है। गो के न्यूजीलैंड के पास भी पेस अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली हम मुझे मुझे लगता है कि हमारे पास पेस की वजह से हम इस विकेट पर ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। प्लस पाकिस्तान के पास जो फरीद जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो इस वर्ल्ड कप में आने से पहले भी मैं बात करता रहा हूँ, नवाज और शादाब की मौजूदगी 11 के अंदर पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त बैलेंस देती है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है बाबर के लिए कि वो जब चाहे शादाब को यूज करें, नवाज को इस्तेमाल करें। मुझे थोड़ी सी हैरानगी हो रही है फरीद, आई थिंक आप भी थोड़े से इस बारे में हैरान होंगे कि हमने एकदम से नवाज के ऊपर से ना स्विच ऑन करते हैं, जो हमारे मेन बॉलर बन जाते हैं एकदम स्विच ऑफ होता है, वो बॉलिंग ही नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। बाबर को जब उनको रन पड़े भी तो आप उनको रिदम दें। अब देखिए उन्होंने पिछले मैच में बिल्कुल बॉलिंग नहीं की, बट वो अगले मैच में अगर बॉलिंग करें और अचानक करें तो उनका कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो फरीद अपने दोनों स्पिनर्स को देखते हुए और पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए सिडनी प्रेफर्ड करूंगा पर्थ या किसी और वेन्यू की जगह, क्योंकि अगर हमारे फास्ट बॉलर सॉरी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर को एक्स्ट्रॉडनरी मदद मिल रही हो और हमारे दो तीन विकेट जल्द गिर जाए तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास ये जो बैटिंग है इफ्तिखार वगैरह बहुत अच्छी फॉर्म में है, या हम देखें नीचे अब शादाब ने रन किए हैं, बट आपको ही पता है कि एक अच्छे फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने ये भी स्ट्रगल कर सकते हैं। बट हमें बहुत अच्छा लगता है जब बैट हमारे बॉल पर आ रहा हो, बैट 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 पे बॉल आ रहा हो, हम थोड़ा सा यू नो एक अटैकिंग मोड में हो। बट जो आई थिंक जो कट पुल वाला सीन है वो जरा हम बची गए तो अच्छा है मेरे ख्याल में, क्योंकि वहां हमारे पास टेक्निक्स नहीं है। और दूसरा फरीद, आई थिंक पाकिस्तान की T20 बैटिंग में एक प्रॉब्लम है जो हारिस ने आके सॉल्व किया, हम थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स नहीं है, हम बिल्कुल सामने खेलते हैं। हारिस की अगर शॉट देखें तो वो मतलब अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलता है। मुझे लगता है बिल्कुल कि पाकिस्तान को थोड़ा सा ना इन 2-3 दिनों में न्यूजीलैंड के पेस को देखते हैं, फिर गोसन आपको जरूर टेस्ट करेगा। ट्रेंट बोल्ट तो शायद स्विंग पे जाते हैं, वो शाहीन की तरह बॉलिंग करते हैं, बट फिर गोसन हो गए या सऊदी खेलते हैं या एडम मिल खेलते हैं या जिमी नेशन, ये डेफिनेटली फरीद ये शॉर्ट पिच बॉलिंग करेंगे, आपको पाकिस्तान की वीकनेस पे वो काम करके आएंगे। हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बस मुझे यही खतरा है कि न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग का प्लान एग्जीक्यूट हो गया तो कहीं हम मुश्किल से ना दो चार हो जाए। आई थिंक जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं उन्होंने अभी तक बहुत अच्छी बॉलिंग की, अगर हम सेंटनर और सोडी की बात करते हैं। और जो आप नवाज़ की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है उसमें मैचअप्स का काफ़ी रोल रहा है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है उसके अगेंस्ट भी लेफ्ट हैंडर्स थे जिनको फेस करना था नवाज़ ने, और फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी शोमर सरकार की बात कर रहे हैं, शांतो की बात करें, शाकिब की बात करें। तो आपको क्या लग रहा है जो आगे आने वाला मैच है, अभी न्यूजीलैंड का मैच पाकिस्तान ने खेलना है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने पहले भी बात की है कि पाकिस्तान ने तैयारी की है, ट्राई सीरीज़ भी जीती उनके अगेंस्ट, और सिडनी में जो आप बात कर रहे हैं, मैं फिर यहाँ बात करूँगा एडिलेड की, अगर आपने देखें तो स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी थी वहाँ पर, शायद अगर आपको शॉर्ट पिच बॉलिंग होती है आप उसको जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं और वहाँ पर आपको रन्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिडनी की, जहाँ पर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया आफ्टर बींग 48 for 4, यानी कि 4 आपके आउट हो गए ऊपर से 48 पे, उसके बाद भी आपने अच्छा स्कोर लगाया, ये कॉन्फिडेंस देगा पाकिस्तान को आगे जाते हुए? बिल्कुल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये बात पता है कि अब उनके पास मिडल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। रिजवान बाबर यार बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट जैसे वसीम अकरम ने कल फरीद कहा, देखिए कोई हर्ज नहीं है, मुझे पता है कि वर्ल्ड कप के अंदर एकदम से आप तब्दीली ना करें, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि रिटर्न ऑन द वॉल एक चीज है। आपको एक बात हकीकत पता है कि आपकी बैटिंग की प्रॉब्लम भी है, पावर प्ले के अंदर आपके रन नहीं बनते और वहीं से आप मोमेंटम खो देते हैं। आई थिंक हारिस का सबसे बेस्ट यूटिलाइज जो है ना, स्पेशली जब न्यूजीलैंड जैसी एक ऐसी टीम जिनके कप्तान बहुत जीनियस है, कप्तानी बहुत बड़ा फर्क होगी फरीद इस मैच में, क्योंकि केन विलियमसन इज अ आउटस्टैंडिंग कैप्टन, उसका प्रोएक्टिव अप्रोच होता है, वो स्टीफन फ्लेमिंग की यू नो और बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल की नहीं करते, वो प्लान करते हैं कि किसको कहाँ गेंद करनी है, अपने बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फरीद हमें ना अटैक करना पड़ेगा न्यूजीलैंड पर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सिडनी पर उनके प्लेयर सेंचुरी बना चुके हैं, हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, तो आपको पावर प्ले तो काउंट करना ही करना है। अब अगर आप एलन की या कॉनवे की अप्रोच देखें, वो शाहिन शाफीदी को रोकने वाले नहीं है, वो अटैक करेंगे चाहे वो आउट हो जाए। तो मुझे ऐसे लगता है कि फरीद द पावर प्लेज इन बोथ द इनिंग्स विल डेफिनेटली की एंड मे डिसाइड द मैच। हमें बतौर टीम उनके पहले 6 ओवर्स को पकड़ना है बॉलिंग के अंदर, और मुझे मेरी तो स्ट्रॉन्ग ये राय रहेगी फरीद कि आपको ये नहीं है कि आपके वो प्लेयर अच्छे नहीं है या फॉर्म में, आपको वो करना है जो आउटस्मार्ट भी करे ऑपोजिशन के प्लेयर्स को, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स हो जाए। अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड ने जमाने में जब दीपक पटेल को यूज किया था कोई सोच भी नहीं सकता था। देखिए मैचअप वगैरह फरीद, आई नो कि आप भी मैचअप
वाले क्लब से बिलोंग करते हैं और आप उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं, टोटली इन फेवर ऑफ द टेक्नोलॉजी और आपके जो स्टैट्स हैं, यू नो आपके जो मैचअप्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है फरीद की कभी कभी ना आपको अपने बेस्ट प्लेयर्स को या पोटेंशियल मैच विनर्स को एक चैलेंज भी देना चाहिए। देखिए शेन वॉन का आपको 99 का जो सेमीफाइनल है, लुक एट हाउ ही बोल्ड हर्षल गेव्स एंड गैरी कस्टन, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। बट एक चैंपियन बॉलर यार जो होता है ना, वो सिनेरियो के अंदर अपने आप को जो ना मनवाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको लेफ्ट हैंडर के आगे जानबूझ के बॉलिंग करा दें, बट मुझे ऐसे लगता है कि आपको अपने एक बॉलर को रिदम में तो रखना ही है कि उसको कहीं ना कहीं कवर निकलवाए। लुक एट हाउ मार्करम का जो ओवर करवाया था पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में, आपको याद है मकदूमा बिल्कुल, ने, मुझे बड़ी महाराष्ट्र स्मार्ट एक मूव। ओवर बचा लिया था दोस्तों। बिल्कुल, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको ना अपने प्लेयर्स को देखा, ऐसे तो अगर मैचअप पे पूरा पूरा चले जाए तो शाहीन शाफी थी या बहुत सारे हमारे फास्ट बॉलर थे, उनको तो राइट लेफ्ट के चक्कर में बॉलिंग ही नहीं करनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं है कि मैचअप में अगर कोई लेफ्ट हैंडर सामने आ गया तो उसने मारना ही मारना है। ये भी उल्टा मैं बड़ी अच्छी डिबेट की जगह सुन रहा था कि कभी कभी मैचअप के अंदर विकेट भी तो मिलती है जो उल्टे मैचअप हो, जैसे कि बिल्कुल अगर नवाज के सामने कोई लेफ्ट हैंडर चाहे भाई मैं तो चांस उसको देना। मारूंगा, मैचअप में बिल्कुल लिखा हुआ है आपको वहां विकेट मिल जाए। अच्छा शादाब इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कि आप उनको रिस्पेक्ट देके शायद स्मार्टली खेल के विकेट ना गिराएं, बट नवाज को मारने के चक्कर में, मैचेस के हाँ चक्कर में आप उसको विकेट दे दें, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट हाँ मैं डेफिनेटली मैं तो हालिया फॉर्म को देखते हुए, जो हमने न्यूजीलैंड में मैच हराया, जो हमारी एक तारीख है उनके खिलाफ डोमिनेंस की, मैं तो 55-45 पाकिस्तान को फेवर दूंगा। और जिस तरह की ये टीम निकल के आई है, जिस तरह के हालात से, आई थिंक ये टीम बड़ी खतरनाक हो गई है, तो न्यूजीलैंड को भी इस खतरे का बखूबी इल्म होगा। अच्छा, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की बात करते हैं, काफ़ी सिमिलर उनके नंबर्स रहते हैं। अगर हम फिन एलन को देखते हैं, उनके अलावा जो पावर प्ले के नंबर्स हैं पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के, बहुत सिमिलर हैं पिछले 2 सालों में अगर हम बात करें। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर्स और डेथ में भी एक ही अप्रोच है, एक ही टेम्पलेट है कि अपनी विकेट्स जो हैं वो बचा के रखनी है और एंड पे आपने जो है अटैक करना है। लेकिन फिन एलन एक ऐसे प्लेयर है जो कि ऊपर से ही आपको अटैक करके दे देते हैं। आपको क्या लगता है, जो बाबर और रिजवान की डिबेट हो रही है, हमें हारिस को यूटिलाइज़ करना चाहिए एक ऐसा प्लेयर जो 0 से लेकर 9 गेंदे जो खेलता है, जो शुरू की उसकी 9 गेंदे होती हैं उसमें वो रन्स करता है ज़्यादा, यानी कि वो यूटिलाइज कर सकता है पावर प्ले को। आपको लगता है कि एक नलीफाई करने के लिए फैक्टर को एलन के आपको हारिस जैसा ओपनर भेजना होगा ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल फरीद, मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा सरप्राइज करना चाहिए न्यूजीलैंड को। देखिए उनको भी पता है कि अगर रिजवान बाबर आए तो हमारे 6 में 40 ही बनेंगे और शायद विकेट गिरे या एक विकेट गिरे, बिल्कुल नहीं सेमीफाइनल में और 120 गेंदों के खेल में आपको सोचने का वक्त ना खुद होता है ना दूसरी टीम को आपको देना चाहिए। आई थिंक हारिस शुड कम कि वो आए, या फिर कम से कम रिजवान बाबर की अप्रोच फरीद, जो आपको भी बताया कि जो मुझे लगता नहीं कि कप्तान और फिर जो आपका जो सबसे सीनियर खिलाड़ी है वो इस मौके पे कहीं आप चाहेगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो, बट फिर आपके पास आर्गुमेंट को पेश करने का तरीका ये होना चाहिए अपने केस को प्रेजेंट करने का कि यू शुड अटैक देन। आई थिंक रिजवान बाबर को अपनी जो है ना अटैकिंग इंस्टेंट दिखानी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये हो रहा है फरीद, जो टेक्निकल अगर आप देखें कि रिजवान के गेम प्लान को टीमों ने डीकोड कर लिया भाई कप्तानों ने, ना तो उनको लेग स्टंप पे वो शॉर्ट पिच बॉल करते हैं कि वो अपना बिल्कुल पिछले जमाना जो पसली शॉट उन्होंने मेरे पुराने टाइम में उसको पसली हाँ, वो खेल दे, या आपको पता है कि वो एक बहुत अच्छा कट खेलते हैं जब गेंद बिल्कुल बिल्कुल बॉडी के करीब होता है, वो दोनों शॉट जो है ना वो उनके कैप्टन ने, अच्छे बॉलर्स ने उनको डीकोड कर लिया हुआ है। अच्छा बाबर की मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम लग रही है कि उनका फॉर्म या रिदम नहीं है, अदरवाइज वो तो कंप्लीट प्लेयर है, वो तो अच्छी बॉलर पे बिल्कुल पैर बॉल पे ड्राइव खेल देंगे, वो कवर पे खेल सकते हैं। बाबर रिजवान को या तो फिर अटैक करना है, या अगर फॉर्म अच्छी नहीं है फरीद, आपने देखा कि लास्ट मैच में भी दे वर ऑक्यूपाइड द क्रीज, लेकिन कहीं से हाँ वो डोमिनेंस दिखाई दे रही थी। अब आप बिल्कुल सोचेंगे अगर सेमीफाइनल में यही चीज रिपीट हो गई तो टाइम लाइन पे ट्विटर पे आग लगी होगी और हमारे मैच जीतने के ऊपर भी जो है ना वो स्याह बादल मंडराने शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको देखें एक और फरीद, मेरा जो इस पे आर्गुमेंट है, पता नहीं आप इस पे आप भी अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं, 120 गेंदों के खेल में जब आपके पास दो क्वालिटी ऑलराउंडर्स होने की वजह से आपकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है, यहाँ तक कि आप देखें शाहीन नसीम कैन हिट 1 और 2 सिक्सेस, बिल्कुल हारिस कैन हिट 1 और 2 सिक्सेस, यार ये 6 ओवर्स का पावर प्ले घर लेके थोड़ी जाना है। वो तो रजाक ने जो कहा था कि 8 का संभाल के रखा हुआ है, वो नहीं बात तो हो गया ना कि हम 6 ओवर में कुछ करें ही ना। तो मेरे ख्याल में तो भाई आपके पास इतनी लंबी बैटिंग है, फिर आपके पास प्लान बी क्या है? इफ्तिखार जैसा प्लेयर फॉर्म के अंदर है, शादाब इतनी अच्छी फॉर्म के अंदर है कि आप वो जो आपने फरीद बात की कि 40-48 में 4 आउट होने के बाद यू मैनेज टू स्कोर 180, तो यार इतनी अच्छी बैटिंग फाइन लाइन के होते हुए तो आपको पहले 6 ओवर में रिस्क लेना ही चाहिए। और इसमें देखिए मैं बड़ी स्ट्रेट फॉर बात बोलूंगा कि इसमें टीम का मफाद फरीद पहले आना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल इंडिविजुअल ये ना सोच रहा हो कि पता बिल्कुल नहीं वो हारे से रस करती है तो पता नहीं आगे क्या होगा कुछ नहीं होगा। नो नो नो, अच्छा कप्तान, अच्छा मैनेजर,
अच्छा बॉस अपनी टीम, अपने इदारे, अपने फायदे के लिए सोचता है कलेक्टिवली। तो मेरे ख्याल में बाबर शुड थिंक लाइक दैट कि उनको इस वक्त अपने या रिजवान या किसी के बारे में सोचने के बजाय टीम के बारे में, सेमीफाइनल के बारे में, ट्रॉफी जीतने के बारे में सोचना चाहिए। जब हारिस जैसा प्लेयर है, बल्कि मैं तो फरीद यहाँ पे बोलूंगा कि ये बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ कि 15 अक्टूबर को उस्मान खाते की जगह फखर जमान टीम में आते हैं। पता था ये बिल्कुल वार्म अप मैचेस नहीं खेलेंगे, पता था वो इंडिया के मैच के लिए अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मतलब बहुत पहले बिल्कुल हारिस टीम पे ले लेना चाहिए था। सही पता बात नहीं वो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हम हारते ही ना। तो जब बिल्कुल आपने वहां सबक नहीं सीखा तो यहाँ सीख लीजिए, वरना आप और मैं ही टाइम लेने बात कर रहे होंगे कि भाई वो देखो इतने रन करके आया है, इतनी उसकी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, आपने उसको जाया कर दिया। दूसरा आपको ये भी पता है, आखिर मेरा ये आर्गुमेंट मैं इसको फिनिश करूंगा, बॉटम लाइन फरीद इस पर यहाँ पर कि हारिस चांस लेता है और पूरा चांस लेता है। तो आपको पता है केन विलियमसन कितना अच्छा फील्डर है और कितना अच्छा कैप्टन है, उसने 6 ओवर के बाद वही गेंद करा के उसको वही ट्रैप करना है जहां वो आउट हो सकता है। तो वहां फिर सही आप जो है ना वो आपका आउट होने का रिस्क ज्यादा हो जाएगा, रन बनाने का थोड़ा कम हो जाएगा। सो डेफिनेटली आरएस का सबसे बेस्ट यूटिलाइज पावर प्ले है, जहां पे आपकी फील्डर रिस्ट्रिक्शन मौजूद है, उसके कैचेस जो होने हैं वो सारे चौके होंगे या वो छक्के मारने में कंफर्टेबल होगा। बिकॉज मुझे एक बात का बड़ा खतरा है फरीद, के केन विलियमसन इज अ जीनियस कैप्टन और उसकी टीम उसके प्लान को एग्जीक्यूट करना जानती है। वो हमारे हर बैट्समैन पे प्लान करके आएगा, तो बिल्कुल क्यों ना उन्हें सरप्राइज करें पहले 6 ओवर में। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। बस लास्टली थोड़ी सी HPL PSL पे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ उन्हीं लोगों की या उन्हीं प्लेयर्स की बात करेंगे जिन्होंने अपने आप को ऑफिशियली जो है वो अवेलेबल किया है PSL ड्राफ्ट के लिए, जिसमें सिकंदर रजा हैं, डाविड मलान हैं, उसके अलावा डेविड मिलर हैं, जेसन रॉय हैं और कॉलिन एकरमैन भी जो कि ऑलराउंडर हैं और जो कि हीरो भी हैं अभी नेदरलैंड्स का हमारे भी पिछले मैच से। तो क्या लग रहा है आपको HPL PSL की जो प्री हाइप है ऑलरेडी वो तो बन चुकी है, ड्राफ्ट भी 18 या 19 तारीख को जो है वो आपकी भी मैंने ट्वीट देखी थी उसमें लाइकली है कि किया जाएगा लाहौर के अंदर ही। वही सुपर एक्साइटेड। और आपको पता है फरीद, आप भी बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, भाई बिल्कुल आप PSL की कोई अपडेट डालें, आपने रिस्पॉन्स चेक किया लोगों का क्या होता है? ओह माय गॉड, आई थिंक हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो आई बॉल्स हैं यार, इनको बड़ा क्रेडिट जाता है। हमारे जितने फैंस हैं, आई थिंक ये लोग बहुत जबरदस्त इनका रिस्पॉन्स होता है। और अब ये देखे ना, वर्ल्ड कप के अंदर अनाउंसमेंट हो रही है और वो जगह बना रही है, जैसे कि शाकिब उल हसन है, डेविड मिलर है, जैसन रॉय है, या इसी तरह आपके पास जो दीगर आपके प्लेयर आ गए। मैं देखिए, ये हमारी क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है और हम इसको बहुत प्राउडली ओन करते हैं। डेफिनेटली और कहते हैं ना, एग्जैक्ट टाइम ऑफ द ईयर। अब एक एक चीज वही आ रही है जो हर साल होती है कि अभी आपके फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, देन यू गॉट द रिटेंशन, फिर आपके ट्रेड वगैरह पे लोग ही नजरे हैं। और ह्यूमर सेक्टर आपने देखी है, वो 50 खबरें ऐसी कर रही है जो आपको और मुझे कानों कान खबर नहीं होगी। लोगों ने पहले फैला दी कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। बट दैट इज वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक हमारी जो PSL है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमारी दुनिया की बेस्ट लीग में ही शुमार होती है, टॉप 3 में, टॉप 2 में आती है। और बस एक ख्वाहिश जरूर है, अल्लाह करे फरीद, कि इस बार कोई और एक दो प्लेयर ऐसे आ जाए जो कभी नहीं आए और हम उस सेलिब्रेट भी करें। बट नेवरदलेस आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। और जो फैंस है भाई, आप लोगों का मुझे पता है, जो आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं इस वाले सेगमेंट के, तो आप इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो हमें जरूर बताएं भाई आप लोग किन प्लेयर्स को देखना भी चाहते हैं। चलो बहुत शुक्रिया फायर भाई आपका टाइम देने का। सो दिस इज़ फरीद खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ अनपॉपुलर ओपिनियंस।